कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में, आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं मेटल के मार्केट में, आज क्या कारोबार चल रहा है एलएमईएमसीएस का दिल्ली मुंबई के फिजिकल बाजार में, स्पॉट मार्केट में आपको आज क्या रेट देखने को मिल सकते हैं, बेस मेटल में ट्रेडिंग रेंज आज क्या चल रही है, आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी खबरों में आगे देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मेटल के बाजार में अगर बात करते हैं विदेशी बाजार से, खास तौर से चाइना के मार्केट से अच्छी खबर सामने आ रही है, आर्थिक आंकड़े अच्छे होने की वजह से बेस मेटल में बाजार में आपको काफी अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, इस महीने की शुरुआत मेटल बाजार के लिए काफी अच्छी रही, तेजी के साथ कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। एलएमईएमसीएस के बारे में सबसे पहले खबरों में बात करेंगे तो रेट काफी अच्छा है, कॉपर में 8,946 रुपए का रेट, एलएमई में 766 रुपए 45 पैसे कीमतें एमसीएक्स में चल रही हैं। एल्युमिनियम के बाजार में 2,335 रुपए का रेट, एलएमई में 209 रुपए 75 पैसे कीमतें एमसीएक्स में है। लेड के बाजार में 2,044 रुपए का रेट, एलएमई में 178 रुपए 60 पैसे कीमतें एमसीएक्स में चल रही हैं। जिंक के मार्केट में 2,448 रुपए का रेट आप एलएमई में देख कर चल सकते हैं, 218 रुपए 20 पैसे कीमतें एमसीएक्स में है। सोनी के बाजार में 2,176 रुपए 10 पैसे कीमतें चल रही हैं। कॉमिक्स में 68,680 रुपए का रेट एमसीएक्स के बाजार में सोने में देखा जा रहा है। इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी के बाजार में 24 रुपए 55 पैसे कीमतें, कॉमिक्स में 76,195 रुपए का रेट एमसीएक्स में है। क्रूड ऑयल के बाजार में 78 रुपए 20 पैसे की कीमतें चल रही हैं, कॉमिक्स में 7,010 रुपए का रेट एमसीएक्स के बाजार में आप क्रूड ऑयल में देख कर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है, बेस मेटल में काफी अच्छी तेजी है, एलएमईएमसीएस के बाजार भी तेज हैं। दिल्ली और मुंबई के स्पॉट मार्केट में फिजिकल बाजार में आज क्या रेट चल रहा है, आपको इस बारे में खबरों में आगे विस्तार से जानकारी देंगे, जानेंगे रेट के साथ साथ ट्रेंड के बारे में। मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के ट्रेंड की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा सकता है आने वाले टाइम में मेटल बाजार में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज क्या रहेगी, अप्रैल के महीने में कैसा आपको कारोबार देखने को मिल सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव सेशन जो होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसा कारोबार देखा जाएगा मेटल बाजार में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज क्या रहेगी, तो पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके अभी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि कैसे कारोबार रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा बाजार खुलने से पहले यहाँ की जानकारी लेकर आप ज्यादा ज्यादा अपना मेटल बाजार में प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में, तो दिल्ली में बेस मेटल में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, कॉपर के बाजार में तेजी है, 803 रुपए का रेट कॉपर सुपर एचडी में है, कॉपर केबल स्पेप में कीमतें 780 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 768 है। एल्युमिनियम के बाजार में एल्युमिनियम पुर्जे में कीमतें 182 है, एल्युमिनियम बर्तन का रेट 175 चल रहा है, जिंक के मार्केट में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 224 है, लेड का रेट 178 चल रहा है, लाइबीटी में कीमतें 198 है, बैटरी स्पेप में जो आज का रेट है वो 97/117 है, निकल का जो रेट है वो 1430 चल रहा है, टिनांगे में कीमतें 2500 है, पीतल का रेट 505 है, एसएस बर्तन स्क्रेप में आप 64 रुपए का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं दिल्ली के मार्केट में। अब इसके अलावा मुंबई के मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है, कॉपर केबल स्क्रेप में रेट 757 है, कॉपर आर्मेचर में रेट 740 है, ब्रास स्क्रेप का रेट 497 रुपए देखा जा रहा है, एल्युमिनियम के बाजार में एल्युमिनियम स्क्रेप में कीमतें 175 है, एल्युमिनियम के बाद जिंक का रेट जो चल रहा है जिंक इंगट का वो 214 है, लेड की कीमतें लेड इंगट में 188 है, टिन इंगट में रेट 2498 है, निकल का जो रेट है निकल कैथोड का वो 1428 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं तो सपोर्ट का लेवल एक काफी है जो अच्छा है, कॉपर में वो 764 है, रेजिस्टेंस लेवल 772 चल रहा है, लेड के बाजार में 177 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 179 है, जिंक के मार्केट में 221 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल जिंक के बाजार में 227 चल रहा है, निकल के बाजार में 1465 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 1505 रुपए आप निकल में देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, चाइना के में काफी अच्छा आर्थिक आंकड़ा होने की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, जरूरत के हिसाब से आप एक अच्छे सपोर्ट को देखते हुए मेटल के बाजार में यहां से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, मेटल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी से सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।